भारतीय जनता पार्टी की समझ की कमजोरी है। भारतीय जनता पार्टी को गाली गलौज करने के अलावा, गुंडा करने के अलावा कभी कुछ काम आता है? कभी आपने सुना है भारतीय जनता पार्टी के नेता बताते हो कि इसको कैसे ठीक कर रहे हैं? केवल आसपास फैला दिया इसको, इससे थोड़ी ठीक होता है। इस चुनाव के बाद और अगले एमसीडी चुनाव से पहले केजरीवाल जी का पूरा प्लान है, यहाँ बिल्कुल इस तरह का कोई ढेर भी दिखाई नहीं देगा। पहाड़ की बात छोड़ दी, उनके दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है इसी तरह से, इसलिए बात करते हैं। वो पूरी दिल्ली में कूड़ा फैलाया है, उन्होंने लोगों के दिमाग में कूड़ा फैलाने की कोशिश की है, और उनके अपने दिमाग में भी इसी तरह का कूड़ा भरा हुआ है। उनसे कूड़ा ना अपने दिमाग का हैंडल हो रहा और ना दिल्ली का हैंडल हो रहा है। ये जो ऊंचा वाला पहाड़ है ना, इसको कम करने के, कम हुआ दिखाने के चक्कर में बीजेपी ने आसपास की सारी खाली जगहों पे कूड़ा फैला दिया कि ऊपर से उतार करके कूड़ा निकलता हो गया। इसी के वजह से दीवार गिरी। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की साजिश नहीं करती तो आज ये दीवार नहीं गिरती। यहाँ तो रात को हुआ, यहाँ तक अगर दिन में हुआ होता तो लोगों को जान जाती। पहले भी यहाँ के सारे लोग बता रहे हैं कि 6 महीने पहले ये जगह सारी खाली पड़ी होती थी, लेकिन हीरो बनने के चक्कर में ये दिखाने के लिए कि देखो हम तो कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं, इन्होंने ऊपर से कूड़ा उतार उतार के सारी खाली जगहों पर घेर दिया। मैं आपके कैमरा से कहूंगा इसको दिखाएं जरा यहाँ से, ये जो यहाँ से जो है ना, यहाँ से और ये सारी नीचे की जगह खाली पड़ी हुई थी और अब इन्होंने इसको यहाँ फैला दिया। उसका नुकसान ये हुआ कि यहाँ दीवार टूट गई, यहाँ पे बच्चों का आश्रम है, ईश्वर ना करे उधर कुछ हो जाता तो जाने क्या हो जाता। सर यहाँ पे दीवार गिरी है, दुकानदारों को कहना है कि रात को दीवार गिरी है, जान का नुकसान नहीं हुआ। बहुत खतरनाक है ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये इसके कूड़े के पहाड़ खड़े हुए हैं। और जब जनता ने इस बार तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के कूड़े को साफ करना है नगर निगम के चुनाव में, तो इन्होंने साजिश रची इसकी। इन्होंने ये साजिश की कि इस कूड़े के पहाड़ को दबाने के लिए, छिपाने के लिए इसको आसपास की खाली जगह में कूड़ा फैला दो। तो इन्होंने आप देखो किस तरह से ऊपर से हाइट कम करने के चक्कर में 6 महीने पहले ये सारी जगह खाली पड़ी होती थी, यहाँ पे इन्होंने इस कूड़े को भर दिया जिससे ये दिखाया जा सके कि दूर से लगे कि कूड़े के पहाड़ थोड़े नीचे आए हैं, आसपास आके तो कोई देखता नहीं है। आसपास के इलाके में खाली जगह पे इन्होंने भर दिया इसको, और अब इसके चक्कर में दीवार गिर गई। ये तो अच्छा हुआ रात को हुआ, रात को यहाँ पे मंडी में काम नहीं हो रहा था, नहीं तो जानमाल का भी बहुत नुकसान होता। लेकिन लोगों की शिकायत है कि बहुत बदबू आती है, यहाँ पे काम करना मुश्किल है, और जहाँ ये दीवार गिरी वहाँ प्याऊ था। मैं यहाँ के लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़े दिन की बात और है, नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए, और केजरीवाल जी ने पूरा प्लान बना रखा है इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करने का। केजरीवाल जी खुद इंजीनियर हैं और वो बहुत पढ़ लिख के प्लान बनाते हैं, चीज़ों को समझ के प्लान बनाते हैं। उन्होंने पूरा प्लान बना रखा है कि इस पूरे कूड़े के पहाड़ को, और सिर्फ इसको नहीं, पूरी दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को कैसे ख़त्म किया जाएगा, और गली गली में जो कूड़े के ढेर बन रहे हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाएगा। और बीजेपी जो 16 नई साइट्स बनाने की साजिश लेके आई थी उनकी जगह अब दिल्ली में कूड़े का निस्तारण कैसे किया जाएगा और कूड़ा रहित दिल्ली कैसे बनाई जाएगी, इसका पूरा प्लान। मामले में क्या जांच होगी? आप जांच करवाएंगे सरकार की तरफ से भी? क्या लीगल जांच होनी चाहिए इसका? मैं अभी देखता हूँ, अभी देख के फिर अधिकारियों से भी बात करेंगे कि आखिर ये टूटी कैसे। बड़ा हादसा हो सकता था, यहाँ पे बच्चों का आश्रम है, मंडी के लोग इतने परेशान हैं इस चीज से कि इनका पीने का, भाई साहब बता रहे हैं कि पीने का पानी तक इनका खराब हो गया। पानी बरसात में बंद नहीं होता था, भूजल से प्रमोद निकलता था, हमेशा अच्छा पानी निकलता था, लेकिन इस कूड़े हो गया। आप चिंता मत करो, नगर निगम चुनाव के बाद इसको साफ कराएंगे सब। ये तो अभी भी बंद होना चाहिए। गाय मरी हुई पड़ी हुई है, उनका कोई इंतजाम नहीं है। आप हिंदुओं की बात करते हैं तो गायों का इस तरीके का बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या हो रहा है आप भी बताइए जरा लोगों को। बीजेपी कोई सबक नहीं ले रही इन चीजों से, केवल और केवल कूड़ा निस्तारण के नाम पे पैसा खाने में लगे रहे। 17 साल हो गए इनको, अब भारतीय जनता पार्टी को ठिकाने लगाएगी, इस कूड़े को साफ करेगी। आम आदमी पार्टी का कैंपेन बीते दिन शुरू हुआ, इसे लेकर कूड़े पर जनसंवाद, तो क्या पूरा मुद्दा आम आदमी पार्टी का एमसीडी के लिए कूड़े पे? इस बार दिल्ली का एमसीडी होती किस लिए है? एमसीडी की सबसे पहली जिम्मेदारी है साफ सफाई रखना। ना गलियां साफ हैं, ना गलियों के आसपास के इलाके साफ हैं। पूरी दिल्ली में उठा के इस तरह के पहाड़ बना रखे हैं, 16 और पहाड़ बनाने की तैयारी में। एमसीडी कूड़े और कूड़े के पहाड़ के लिए थोड़ी है, उसको साफ करने के लिए होती है। भाई बीजेपी कर क्या रही थी इतने साल से? बीजेपी सवाल उठा रही है, आप लोग जो कूड़े को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों का अपमान है, आम आदमी पार्टी सफाई कर्मचारियों का अपमान। ये सफाई कर्मचारियों के हिस्से का भी पैसा खा गए भाजपा वाले। दिल्ली सरकार इतनी तनख्वाह देती रही और बीजेपी वाले करप्शन कर करके सफाई कर्मचारियों का भी पैसा खा गए। अब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह भी मिलेगी, उनको सम्मान भी मिलेगा और कूड़ा भी खत्म होगा। इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच आ रहे, जनता का क्या रिस्पॉन्स है? जनता का ही मुद्दा है,
जनता ही दुखी है इस चीज से, कूड़े से। मनीष सिसोदिया हमारे साथ पहुंच गए हैं। सर क्या हालात हैं? क्योंकि बीजेपी मना कर रही है, कोई हादसा नहीं हुआ गाजीपुर लैंडफिल साइड पे। कैमरा मैन को कहूंगा कि वो तस्वीरें भी दिखाएं, डिप्टी सीएम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को तो ना कूड़ा दिखाई देता है ना कूड़े का हादसा दिखाई देता है। चारों तरफ आप देखो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ इन्होंने कम करने के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में कम हो गया। ये सारा इन्होंने ऊपर से उतार उतार के नीचे भरा है, हाइट कम करने के कारण, हाइट कम होती हुई दिखाने के लिए, झूठ दिखाने के लिए कि देखो कूड़ा कम हो रहा है। इन्होंने ये सारे आसपास फैलाए हैं। आज मैं इसको एक्सपोज करने आया हूं कि किस तरह से इन्होंने झूठ दिखाने के चक्कर में और जान पे खेला लोगों की और छिपाया सच को। आज ये कूड़ा कूड़ा इनका सच सामने आ रहा है, कूड़ा कूड़ा चारों तरफ हो रहा है, गलियों में हर तरफ जहाँ जाओ कूड़ा है। छोटे छोटे मोहल्लों में गली के नुक्कड़ों में कूड़ा घर खुले हुए हैं। 16 और कूड़े के पहाड़ बनाने की तैयारी कर रही है, इसका बुरा हाल आप देख ही रहे हो। इन सबको खत्म करेंगे नगर निगम चुनाव। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।